बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर टू लर्न। हम इकोनॉमिक्स के नोट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज का जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू हिक्सन अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन डिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। मजीद देखते हैं क्वेश्चन कितने तरीकों से आ सकता है। हाउ अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमम इज टोटल सेटिस्फेक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी, व्हेन इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्कस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हिक्सियन अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस बाय सिल्टिस्की, एलन एंड हिक्स। दिस इकोनॉमिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन नंबर। दे से दैट कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम दिस कंजप्शन। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज हिक्सियन अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आर इंडिफरेंस कर्व आर यूज टू शो प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अजम्पशन क्या है? कंज्यूमर इज रैशनल यानी वो रैशनल है अपने डिसीजन करने में। यूटिलिटीज ऑर्डिनल है, नंबर में नहीं ऑर्डर में हम यूटिलिटी को मेयर करेंगे। डायमेंशनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी जो जैसे जैसे वो यूज़ कमोडिटी करेगा उसका मार्जिनल रेट कम होता जाएगा। कंसिस्टेंसी इन चॉइसेज, यानी उसकी जो चॉइसेज हैं उनमें सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांसटिविटी ये बताया था, अगर वो ए को प्रेफर करेगा बी पर और बी को प्रेफर करेगा सी पर, तो और ऑटोमेटिकली ए को सी पर प्रेफर करेगा। डेफिनेशन क्या है? एन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर टू ईच इट्स पॉइंट वेन द गिवन अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। अनदर डेफिनेशन, एन आई सी इज लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। हेल्प ऑफ डायग्राम और टेबल, आप वही डायग्राम और टेबल है जो पीछे डिफरेंस कर्व के लिए हमने किया था कि कम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ है। यूनिट ऑफ एक्स आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कर लेना है। यूनिट ऑफ वाई आपने याद कर लेना है 16 है, तो फिर आपने इसमें 5 कम करने हैं 11, फिर 4 कम करने हैं 7, फिर 3 कम करने हैं 3, 4, फिर 2 कम करने हैं 2, और फिर 1 कम करना है 1। तो फिर आपका ये देखें मार्जिनल यूटिलिटी MRS 5, 4, 3, 2, 1 में आ जाएगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, आप देख लें कैसे गिरता हुआ है MRS 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे पॉइंट। एक साइड पे कमोडिटी एक्स रखेंगे, एक साइड पे कमोडिटी वाई रखेंगे। फिर इसकी बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन और प्राइस लाइन शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी लाइक एक्स एंड वाई दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज ऑल इनकम द गिवन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज। मैथमेटिकली बजट लाइन एक्सप्रेस एज एक्स मल्टीप्लाई बाई पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू आई, यानी प्राइस क्या है, वेयर पी एक्स इक्वल टू 2, पी वाई इक्वल टू 1, इनकम इज 10। फिर टेबल शेड्यूल क्या है, कम्बिनेशन आपको वही है ए बी सी डी ई एफ, यूनिट ऑफ एक्स 1, 2, 3, 4, 5, यूनिट ऑफ वाई 10, 8, 6, 2, 4, 0। तो आप इनकी प्राइसेस करेंगे तो देख लेंगे ये 10, 10, 10 इक्वल आ रही है, तो आपकी बजट लाइन बिल्कुल ऐसे दोनों पॉइंट पर टच करती हुई आएगी। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। अब इस बजट लाइन के ऊपर हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। तो ये देखें आप यहाँ से जो बजट लाइन इस लाइन को टच करेगी वो इसके ऊपर इंडिफरेंस होगी। कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट एन आईसी अप्रोच, हिक्सन अप्रोच, अनदर अप्रोच टू एक्सप्रेसिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इन ऑर्डिनल मैनर। इन द अप्रोच वी डिस्कस डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विद एन लिमिटेड इनकम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।